ये रही हम लोग की घाटों की यात्रा। तो यही देखिए वो घाट है हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पे महाराजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी ने एक कफन के टुकड़े के लिए कितना परिश्रम किया था, वो यही घाट है जहाँ पे उन्होंने मतलब अपने सत्यवादिता को परिचित करने के लिए, दिखाने के लिए और पहचान कराने के लिए इसी घाट पे थे। और इस घाट का इतिहास आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ खुद लिखा गया है, वो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किस तरह शवों का दहन होता है, और ये पूरी लकड़ियाँ हैं जो कि आम की लकड़ियाँ हैं, यहाँ पे देखिए ये है। और इस तरह से यहाँ मतलब कि देख सकते हैं। और तो गाइस यहाँ से देखिए दहन हो रहा है यहाँ पे कई लाशें। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी देखिए ये है हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पे शव को दहन किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से दहन हो रहा है यहाँ चारों ओर से। ये हमेशा होता है बनारस में, तो फेमस है जो दहन के लिए है यहाँ पे, तो वो एक है मणिकर्णिका और एक हरिश्चंद्र। यहाँ पे पूरा दहन मतलब यहीं पर किया जाता है। यहाँ पे देखिए बांसों का जो होता है जिसे कहते हैं टिकठी कहते हैं, जिस पे शव को लाया जाता है, वो यहाँ पे देखिए फाड़ फाड़ करके और कुछ बना लिया जा रहा है, यानी किसे भी नहीं फेंका जाता है यहाँ पे। और फेंका भी कहाँ जाएगा, क्योंकि फेंका जाएगा तो कचरा ही फैलेगी ना गंगा जी में। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं हरिश्चंद्र घाट के बारे में आप वीडियो को पॉज करके। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये है इलेक्ट्रिक सौदा, ऊपर में जो दिख रहा है जो चिमनी आपको, वहीं से अंदर का भाप धुआं जो निकलता है, जो सौ जलता है उसी का तो यहीं पे होता है। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम और पारंपरिक सिस्टम से दोनों से यहाँ पे जलाया जाता है। तो ये देखिए आपको जो ये दिख रहा है निरंजनी घाट है, और यहाँ पे बगल में आपको ये दिख रहा है ये किला है बनारस के राजा का, जो ये देखिए किले है इस तरह से। यहाँ पे ये गंगा किनारे बिल्कुल घाट पे है, और यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं। और यहाँ पे इधर अंकल जी हैंड स्केच करके पिक्चर्स देते हैं, घाटों का स्केच करते हैं अपने हाथों से यहाँ पे। और ये देखिए किले है पूरा। ये देखिए किला है पूरा के पूरा।